ऐसे रहो, प्यार प्रेम से रहो, खुश साल रहो। ज्वाइन समझदार पाइयो। नाइस नाइस, सच बोल दिया, सच बोल दिया, सच मुंह पे आ गया। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी दशहरा मनने वाला है और हम लोग कल पहुँच गए थे, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा। तो आज है 26th, ये थोड़ा सा व्लॉग लेट आएगा, बट आज 26th को हमारा लास्ट दशहरा है। वैसे तो 5 दिन का होता है पर हम लोग का सिर्फ 3 दिन का है, तो आज लास्ट दिन है, 3रा दिन है। तो फिर हमने सोचा चलो आज ही दशहरा मनाते हैं सब लोग। तो मम्मी पापा लोगों ने तो 24 को जो मेन दशहरा था उस दिन टीका लगा लिया था सबने, बट आज फिर जब नीरज और मैं आए तो फिर मम्मी ने सोचा है, पापा ने सोचा है कि हम लोग सब फिर से दोबारा से टीका वगैरह लगाते हैं। तो यस, मैं तो एकदम से रेडी हो चुकी हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। हैप्पी दशहरा फिर। हैप्पी दशहरा, चलो वाह, हैप्पी दशहरा सीना। थैंक यू, हैप्पी दशहरा। अब लग रहा है ना दशहरा वाला फील, जब दीदी सब फैमिली आ गई ना, है ना। तुमने परसों भी मनाया था ना दशहरा। यस, आज फिर से हम लोग उसमें मेन तो मम्मी सबसे ज्यादा याद कर रही थी तेरे को, फिर भाई हाजिर हो गई तू। अरे मैं भी तो याद कर रही थी, मैं सबको याद कर रही थी, ऐसा फील हो रहा था मतलब क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, बट नाउ फाइनली यू। यस, तो अभी मम्मी भी यहाँ पे, वाओ ब्यूटीफुल साड़ी पहन के। वैसे बता, हम लोग का 3 दिन का दशहरा क्यों होता है? 3 दिन का इसलिए होता है क्योंकि जो दादाजी है हाँ, वो गुजर गए ना हाँ, तो तब से हमारा मतलब 3 दिन ही है। अच्छा, क्योंकि हमारा अब आज मनाएंगे, उसके बाद कल से नहीं है, वैसे 5 दिन का होता है कल हाँ। हमारा वो जो होता है, नेपालियों को पता होगा, इच्छा को, परसों फिर पिन्ना अच्छा, वो है ऐसा, तो इसलिए अब हर साल अच्छा 3 ही होगा। ये नहीं है कि मतलब 1-2 साल के, हमेशा के लिए 3 ही दिन होता है हमारा। ओके, तभी आज लास्ट दिन है तो हमने आज वैसे ही। और यहाँ पे देखो पूरा एकदम दशहरे की तैयारी हो चुके, सेल रोटी मिठाई टीका फ्रूट सब कुछ। तो मेगा का वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि मेगा का आज एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने गई है, जस्ट पहुँचने वाली है। तो जैसे ही मेगा आती है फिर मेगा को भी लगाइए, तब तक अभी सोच रहे नीरज और मैं लगवा लेते हैं। लगाइए टोपी। आहा, या नीरज भी एकदम ढाका टोपी लगा कर रेडी है, अभी लगाते हैं टीका। चलो, वाह भाई वाह, फूलो फलो। अभी ब्लॉग तो देख लिया, वो जो मैंने आशीर्वाद देना था वो तो डबल डबल देखने के बाद क्या देना है। फलो फूलो, ग्रो करो परिवार में, दे दो सबका अपना। अच्छा अच्छा चल रहा है, बढ़िया रहे, ऐसे रहो, प्यार प्रेम से रहो, खुश साल रहो। फिर दक्षिणा भाई ज्वाइन है, परिवार परिवारलाई राम्रो राख्ने तेरो हातमा छ, ठिक छ। यस्तो परिवार कहीँ पाउन्न, सासु ससुरालाई सासु ससुरा होइन, आमा बाबु जस्तो सोच्ने, जस्तो तँलाई बुहारी नसोचेर छोरी सोचेका छन्, यस्तै गर्ने हो। राम्रो घर राम्रो इज्जत दिस भने इज्जत पाउँछस्, ठिक छ नि। अब पहिला सासु ससुरा, त्यसको बाद माइत बाउ आमा, राम्रो देशमा। तिमीहरूको त के छ भने कोही लुकाएर लुक्ने कुरा पनि होइन, होइन, त्यो दुनियाँले देख्ने चिज हो। मैले यो पनि भन्दिनँ कि तिमीले भिडियो बनाएर दुनियाँलाई देखाउँछौ नि, नेचुरल राम्रो पनि छ, यस्तै देख्न पाऊँ, यस्तै सुन्न पाऊँ। लगन मेरो छ, सच बोल दिया, सच बोल दिया, सच मुंह पे आ गया। जी जी खुश, तू खुश होना चाहिए। ये भी मतलब समझदार है, और ज्यादा समझदार होना है, कवर अप, और ज्यादा ज्वाइन को माया करना है, ज्वाइन की इज्जत करना है, मम्मी पापा की इज्जत करना है, दीदी का इज्जत करना है। हाँ, दीदी भी अच्छी है, परिवार पूरा अच्छे है, बहुत अच्छे। हमने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा परिवार मिलेगा तेरे को, नहीं अच्छी बात है, मिला किस्मत की बात है। तो याद दिखाई दे, तो
उंगली दिखा रही है कहाँ पर वो करना है, शर्म भी नहीं आती। माय गॉड गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट। अरे बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अरे बड़ा बड़ा ओ। और सूट भी था, सूट अभी मैंने कहा रखा मिलने का। ये साड़ी सिंपल है, लेके आई ठुलो हो तो गाइज अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश मेघा को हम लोग का लगाना बनता है कि नहीं बनता, बट फिर भी नीरज और मैं बड़े हैं इनसे, तो हमने सोचा कि एक आशीर्वाद के तौर पे टीका लगाते हैं, है ना। मेरे को लगता है कि आकाश तुम लोग को लगाना चाहिए। आकाश हम लोग को लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी हम लगा देते हैं और जो रहेगा बाकी का आगे का आगे का। पैसे देने वाले काम नहीं कर रहा, जहाँ पर पैसे मिल रहे वो वाले काम बताऊ। बड़ा क्यूट सी जापानी जैसी लग रही है मेरी छोटी लड़की। क्यूट सी जापानी। ऐसे ही अच्छा कोना समझदार ले जाके तीन तीन घर चार चार घर लेना। यस बस बहुत अच्छा कर रहा है, शो वगैरह ऐसे ही करते रहे, प्राउड फील करते रहे ना। पैसा आप दे दो, मेरा आदमी वो टीका 5 लाख रुपए। कोई नहीं, ये सिर्फ अभी हमारे पास गिफ्ट नहीं है तो ये हुआ है गिफ्ट, अभी सगुन के सगुन के तौर पे है गिफ्ट, तुम लोग को मिलेगा। ऑब्वियसली डोगने ये नमस्ते करने नमस्ते उठो आशीर्वाद ठीक है। चलो अब फोटोज क्लिक करा जाए। क्या बनाया है फिर खाने में? खाने में है मटन है, राजमा है। मटन राजमा, हाँ ओके जल्दी दे दो बस। हाँ बस खाना खा के फोटो खींचने जाएंगे। तो गाइस खाना भी रख चुका है, राजमा चावल मटन दही स्पेशल रोटी सलाद रात को मिलूंगा अभी। ओके झलक कर रहा है जैसे कि आपको पता ही आकाश यो अनदर शो। और गाइस प्लीज कमेंट में लिखना कि मेरी दीदी जो है 30 तारीख तक रुके क्योंकि 30 तारीख को शूट है एंड आई वांट मेरी दीदी मेरे को शूट पे देखे। ओके ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा काम है तो मैंने कहा थोड़ा लिफ्ट मांग रही इसके साथ। अच्छा चलो बाय बाय। तो आकाश जा चुका है प्रैक्टिस पे और मेघा भी रात भर सोई नहीं थी क्योंकि उसका ना आज एग्ज़ाम था जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो अभी सो रही है और मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। तो शाम को देखते जो भी प्रोग्राम रहेगा मैं आप लोग को दिखाऊँगी, तो अभी सोने के बाद उठने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस सो के उठने के बाद यहाँ पर माँ बेटी ने तैयारी कर ली है किस चीज़ की, जो कि स्पेशल यार, मतलब स्पेशल भी क्या बोले, जो कि एकदम हमारा जिससे गुजारा नहीं होता वो। आज हम बना रहे हैं चिकन मोमो और वेज मोमो। तो वेज पापा के लिए क्योंकि चिकन नहीं खाते एंड सोमांश की मम्मी के लिए वो भी चिकन नहीं खाते, दो जने के लिए वेज बन रहा है और सबके लिए चिकन मोमो बन रहा है। तो सोमांश की मम्मी भी अभी आने वाले हैं। बनाना वीडियो थोड़ा। हाँ जी बोलो। अच्छा कल एक केक लेके आना। क्यों? मेगा का नया ब्लॉग कल से स्टार्ट होगा ना, केक काट के। हाँ हाँ डालेगी। किसने बोला? मैं बोला और कौन बोलेगा। चल कल उद्घाटन हुआ जाए। वही तो मैं भी खुद सोच रही हूँ, मैं एक और चैनल खोलूं। दीदी जीजा भी आए हैं। अरे मतलब हम दोनों कपल वाला। गाइस आपको क्या लगता है हम लोग को कपल चैनल खोलना चाहिए कि नहीं? नहीं बताना क्यों भाई। और मेन चीज ये है कि हाँ शोमांश की मम्मी को आप हमने सुबह बुलाया था कि चलो दसे का टीका उनको भी लगाएंगे, बट मैडम आई नहीं, अभी आके पूछेंगे कि क्यों नहीं आए। तो अभी आ रहे हैं तो मम्मी और मैं अभी मोमो बना रहे हैं।
मेघा तो बिजी है क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है, तो वो पढ़ाई कर रही है। तो नीरज भी बैठे हैं फ़ोन चला रहे हैं। अब ससुराली आए हैं तो नीरज भी, उनको एकदम आराम है यहाँ पे। तो आकाश गया है प्रैक्टिस पे, तो अभी हम लोग माँ बेटी यहाँ पे तैयारी कर लेते फिर उसके बाद, है ना मम्मी? मम्मी का प्लान था कि मोमो बनाते हैं। हाँ। वैसे तो हमने सोचा था बाहर जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे, फिर मेघा ने बोला कि उसका कल एग्ज़ाम है तो फिर वो इतना बाहर नहीं रह पाएगी, उसको जल्दी वापस आना पड़ेगा। तो उसने बोला परसों उसका नहीं है तो कल जाएंगे हम लोग बाहर घूमने के लिए। तो अभी हम लोग का घर का ही प्रोग्राम बन गया, इसलिए हमने घर पर मोमो बना लिया। सुबह क्यों नहीं आए? अरे यार तुझे इतना इंतजार किया, कॉल किया, मैडम गाया भाई, अभी हमारे हाथ से टीका नहीं लगाना था तो मुँह पे बोल देते, पर ऐसे ना आके डिसरिस्पेक्ट करना यार। अरे सॉरी माते, इसका मेरा तो नाड़ी भेदी झगड़े होते रहते यार, इतनी नींद आ रही थी। चार बजे तक तो मैं सोई थी, पता है दिन के साढ़े कितने बजे उठी मैं? सुबह 4 बजे तो यहाँ से गए थे कल। हाँ। मैं बोल रही हूँ गाइस, हम 4:30 बजे तो यहाँ से गए, तो फिर सोए इतनी लेट, फिर सुबह मैं 4 बजे उठी हूँ। फिर कैसे आती? मैंने बोला तुम्हारा दिन में 4 बजे, बोलो शाम के 4 बजे। हाय सोमांश, हम लोग ने इतने मेहनत से मोमो बनाया, फिर सोमांश की मम्मी हमारे लिए लाए हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी ना। मैं चिकन खाती नहीं, पर यश ने बोला जो हमारे घर के पास में आता है ना, एक होटल है ज्योति होटल, वो बहुत मस्त बिरयानी बनाता है। काश मेरे व्लॉग में भी इतना बोल लेती आप, कंटेंट मिल जाता है। नहीं बोलते मम्मी इतना, सिर्फ मेरे व्लॉग में बोलते हैं। होता है उसके व्लॉग में नहीं बोल पाती मैं, सच में वैसा तो है। ठीक है वर्षा सुन, तो उसने इसने बोला दीदी बिरयानी बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला चलो बिरयानी लेके जाएं, और क्या बन, और अपने हाथ से बना के जब नीरज आएंगे। हाँ अभी अभी इन्होंने नीरज को इनवाइट किया है खाने पे, चिकन मैंने तुझको भी किया है, मतलब दोनों को। मीनू भी बता दिया उन्होंने, मीनू भी बता दिया, मीनू में है चिकन, और जो कि सोमांश की मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो खाते नहीं है पर अच्छा बनाते हैं। हाँ। तो स्पेशल उस चिकन के लिए नीरज को बोला, और इनको पता है कि नीरज को गाजर का हलवा पसंद है, वो भी बोला कि वो भी बनाऊंगी। मैं सोचा था मैं, पर आज मैं थोड़ा ठीक होती फिर, और पता है क्या, हमारे जो सब्जी वाला नीचे वो ऑरेंज गाजर लेके आता है। अच्छा। तो वो रेड वाले गाजर के लिए मंडी पे जाऊंगी तो लेके आऊंगी, तो मतलब नीरज आने वाले होंगे, मैं वो कर लूंगी जैसा भी है, मतलब स्पेशल मंडी जाके। इतना स्पेशल तो कभी मेरे लिए, मेरे लिए तो कभी नहीं किया इतना स्पेशल यार, जब मैं आती हूँ। रोज की हो गई, ज्वाइन पहली बार आ रहे हैं तो ज्वाइन के स्वागत होगा। ज्वाई के लिए तो यहाँ पे आज सब नहीं यार, तो ना। आज चिकन मोमो खाएगा, वेज चिकन वेज खा लेना नहीं वेज खा लेना, चिकन कम है यार, चिकन कम है यार, है ना नीरज को कम हो जाएगा, कम ना ठीक है। क्यूटी है, क्यूटी है हमारे शो। लो भाई हम लोग की मोमो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, तो कैसा है गाइस मोमो, किसी ने खाया कि नहीं खाया? समाज ने खाया, अच्छा है? पापा ने खाया, अच्छा है पापा? वेज पापा के लिए, नीरज बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत मस्त अच्छा है। मेरे तो पहले वैल्यू ही नहीं, मैं खड़ी हो गई, अब आएगी वो ऐसे पकड़ के नीचे रख दिया। 100 में से 100 खा लिया, खाया नहीं, पर ये किस तूने बनाए? हां तेरे हाथ के, दोनों मैंने बनाए हैं। की मसाला और ये मेन मसाला ये, और ये उसका नहीं है, लौकी का नहीं है, बंद गोभी का है, बंद गोभी का है आज है। चलो भाई, नीरज जी ने अभी मोमो खाया, मोमो पचाने के लिए बिल्कुल थोड़ा टहल रहे, वॉक कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद इन्होंने खाना है बिरयानी। माय गॉड, क्या क्या खाना है, क्या क्या खाया यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क में, याशी मेघा और मैं परी हूँ मैं। चिल्ड्रन पार्क में चार इतने बड़े बड़े लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम भी तो चिल्ड्रन ही हैं। पहले वो जाएंगे बेना जाएंगे, क्यों, फिर ताकि पूरा ये साफ हो जाए, ये कवर कर देंगे ना बेना। चलो चलो पहले बेना को अपनी दिक्कत कर दो। चलो आजा बच्चे, मम्मी लोग नहीं करते, आजा बच्चे बच्चे आजा 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 आजा, अरे अटक रहा है ये तो। <एतु? laughs>
छोटी बच्ची है वाली। ओ भाई यार तुम्हारा गंदा हो गया। नहीं हुआ तो चप्पल आया था। चलो हो गया बिरयानी के लिए पेट खाली। अभी मुंह पचाए और एकदम से बिरयानी खाने के लिए रेडी हो गए। ये बिरयानी का नाम सुनते ही नीरज इतनी जल्दी उठ गए। वो आप मुंबई की बिरयानी खा के देखते हैं कैसी है। सही बात है। नीरज तुम ना पता है क्या, अगर जाओगे ना याशी लोग को बोलूंगी मैं, जब याशी लोग भी अगर तुम्हारे साथ जाएंगे यहाँ का चिकन शोरमा खाना। शोरमा खाया है वाइट रोल के अंदर पूरा चिकन स्टफ करके, तुमने बिगर खाया है सब। पर मुझे पता है अच्छा होता होगा क्योंकि ये लोग तो बहुत खाते हैं, इनको पसंद आता है चिकन खाते हैं ना, पर पूरा बताते हैं नहीं अच्छा होगा। मम्मी के बारे में पता है आपको भी, वो दिखाते ही है। कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है वैसे ही जैसे मैंने बनाया था बिरयानी एक बार। पापा वो बिरयानी सामने से याद रहेगा। अब हट वैसा है कि अलग है। नहीं उसमें थोड़ा नमक ज्यादा था, इसमें ठीक है। नीरज को तो बहुत याद है मेरी वो बिरयानी, बोलते रोज बनाओ। अब इतना टाइम का है मेरे पास ना, वो तो है उसको तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। उस बिरयानी को देख के नीरज के एक्सप्रेशन में बरसा कि वो के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि बहुत मेहनत लगी है इसमें। ये मेरे पापा जैसे वीडियो आता है इतना जोर से चिल्लाने, ये नीरज पार्ट टू है। नीरज भी ऐसे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना चिल्लाने लग देंगे दोनों के दोनों। इनको देखो ये, इनको ये देखो मस्ती, इधर मस्ती। चलो 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 तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताऊंगी रुक मैं। ये दोनों मेरी दिन भर मजाक उड़ाते रहते हैं पहले तो, और अभी ना मैंने अगर मेघा की एक बार बता दी और उसके बाद इसने तो इंटेंशनली बताई, उसके बाद बोल रही अच्छा ये नहीं बताना था वो ही बंगला। अच्छा मैं बताती हूँ आज। अरे चुप एक दिन क्या बहुत पर्सनल बात है। एक दिन आंटी ने मेरी कुछ बात रिवील कर दी थी तो मेरा मुंह ऐसा अजीब सा हो गया था, तो आंटी ने बोला ओ मेगा सॉरी यार मतलब ये नहीं बताना था करके तो बहुत और इंटेंस कर दिया। तो अभी अभी जस्ट मेरे को याशी ने बताया कि आंटी के पास दो फोन यूज करती है, जब बैटरी डाउन होता है चार्ज में रखती है ना, उसके बाद सोमांच का टैब लेके जाती है वॉशरूम में। ठीक है तो मैंने वो बोला पापा के सामने, तो फिर मैंने वही वाला डायलॉग मारा ओ सॉरी ये वाला बात नहीं बताना था, झूठ बोला मेरे लिए। थाली के चट्टे बट्टे हो तुम तीनों, याशिका सोमांश और ये मेघा। चलो चलो ओ भाई चलो बाय बाय गुड नाइट। गुड नाइट बाय याशी बाय सोमांश। सोमांश जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं तो भाई आज का पेट तो ऐसा डुम डड़ाम डुम हो रहा है ना। माय गॉड यहाँ तक बिरयानी मोमो माय गॉड बहुत टेस्टी बिरयानी बहुत टेस्टी थी। फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी कुछ अलग से टेस्ट वाली बिरयानी खाई, अच्छा था। मोमोस कैसे थे? मोमोस लाजवाब भाई। और एक खाया था मैंने वेज का पीस, क्या तगड़ा था वेज भी अच्छा था। एक पीस खाया था बहुत अच्छा था, और नॉन वेज तो क्या ही कहना मजा आ गया। और आज दसे भी बना लिया, जिस चीज के लाए थे वो काम भी हो चुका है। अभी एक दो दिन तो हमें ही है, फिर उसके बाद नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो आपको आगे आगे पता चलते रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस बाय बाय।